योगेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, नमस्कार मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रही हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम एक्चुअली मेरे पास ऊर्जा ग्लोबल के 1500 शेयर हैं, 4.97 के रेट पे, एंड स्विट्जरलैंड के 1000 शेयर है, सिक्स पॉइंट चलिए, सिक्स ये शायद फाइव के हमारे रेट पे। कवरेज में नहीं होगा। और कौन सा स्टॉक है आपका? मैम स्विट्जरलैंड सुजलॉन, ठीक है। सुजलॉन आपने किस भाव पे लिया है? मैम 6.65, 1000 शेयर है मेरे पास, और 5 ईयर होल्ड कर सकता हूँ और मैं 5 ईयर्स? 5 ईयर। चलिए ठीक है। काफ़ी क्लैरिटी अपने व्यू को लेकर। और आज के ट्रेड में हमने देखा कि यहाँ पर जो है नेगेटिव ट्रेंड में भी है ये स्टॉक। और क्या सलाह होगी यहाँ पर? अंशुल बताइएगा। और देखिए सुलोन में स्ट्रक्चरल बुल रन में स्टॉक वापस लौटा है और काफी सालों की कंसोलिडेशन के बाद लौटा है। तो यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट टर्म में 20 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है, 65 रुपीज इमीडिएट टारगेट लग रहा है। और 5 साल के प्रोस्पेक्टिव से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा होल्ड करके या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल बुल रन में स्टॉक प्रोबेबली 1-1.5 साल तो ये बुल रन बना रहेगा, और उस बुल रन में 80-85 तक ये स्टॉक आ सकता है। इमीडिएट टर्म में 65 दिख रहा है, 1-1.5 साल के प्रोस्पेक्टिव से 85 तक का टारगेट दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो ये थी सलाह अंशुल जी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले दर्शक को जोड़ते हैं। तो मुंबई से प्रभाकर जी जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी बताइए, क्या है आपका सवाल? जी मेरे पास क्या है उसको बोलता है, एबीआर एप्पल का 2000 शेयर है, बाइंग प्राइस है 330, 2000 शेयर है। जी बिल्कुल, 330 की बाइंग है। और आपका नजरिया क्या है, आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लंबे समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं? 3 महीना। 3 महीना, ठीक है। तो 3 महीने के लिए मैं अंशुल जी आपके पास आना चाहूंगा। एबीएफआरएल का शेयर है, आदित्य बिरला फैशन का, 330 का भाव है अभी, करीब वहां पर ही चल रहा है। ये महीने में काफी अच्छा गेन भी दे चुका है ऑलरेडी। तो क्या लगता है, यहाँ पर इसे होल्ड किया जाए या और इसे तेजी एक्सपेक्ट किए जा सकती है यहाँ पे? अंशुल देखिए जी अब एबीएफआरएल में पैटर्न काफी बुलिश बना हुआ है, और मैंने मल्टीपल टाइम्स आपके ही प्लेटफॉर्म पे एबीएफआरएल रिकमेंड किया है। फ्लैट बेस की फॉर्मेशन है, जैसे ही स्टॉक 335 के ऊपर निकलेगा, स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट वापस से डेवलप हो जाएगा। 374-375 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, है इनके पास तो होल्ड करना चाहिए। जिन दर्शकों के पास नहीं है, 334 का अलर्ट लगाइए, वो निकलते ही से फ्रेश बाइंग की सजेशन रहेगा। 374-375 इमीडिएट टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 315 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे।